हेलो फ्रेंड्स, आज हम देख लेते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई भी कहते हैं। ये ऑफिशियल लोगो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का। इसके अंदर एक पाम ट्री है, उसके साथ में एक टाइगर, और ऊपर इंग्लिश में भारतीय रिज़र्व बैंक लिखा है और हिंदी में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ये लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एलएलएम के स्टूडेंट्स के लिए भी, और कुछ अदर कोर्सेज हैं उनमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इज़ द सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। ये एक सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, दूसरे बैंक्स को कंट्रोल करता है और इंडिया के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रुपीज़ को कंट्रोल करता है। इट कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन ऑन द 1 अप्रैल 1935 ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो आरबीआई ने 1 अप्रैल 1935 से काम करना स्टार्ट कर दिया था। इसकी एस्टेब्लिशमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंडर हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड ऑन 1 अप्रैल 1935 टू रिस्पॉन्ड टू द इकोनॉमिक ट्रबल्स आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ब्रिटिश टाइम पीरियड में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, तो उसे हैंडल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट की। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस प्रेजेंटेड बाय द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली विच पास्ड दीज गाइडलाइंस एज द आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई वॉज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड एज पर द गाइडलाइंस वर्किंग स्टाइल एंड आउटलुक presented by B.R. Ambedkar in his book titled The Problem of Indian Rupee। तो जो इसके regarding base prepare करा गया, वो B.R. Ambedkar जी ने prepare करा, जिस जो उनकी book थी द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। इस बुक में उन्होंने इंडियन करेंसी और इंडियन मनी सिस्टम जो था उसकी प्रॉब्लम के बारे में बताया था। एंड प्रेजेंटेड टू द हिल्टन यंग कमीशन, और इस प्रॉब्लम को हिल्टन यंग कमीशन को बताया गया। द बैंक वो सेट अप बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 1926 रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फिनेंस, ऑल्सो नोन एज द हिल्टन यंग कमीशन। तो आरबीआई के एस्टेब्लिशमेंट हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन के द्वारा की गई। द ओरिजिनल चॉइस ऑफ द सील ऑफ आरबीआई वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी डबल मोहर with the sketch of lion and palm tree। However, it was decided to replace the lion with the tiger, the national animal of India। The preamble of the RBI describes its basic functions to regulate the issue of bank notes, keep reserves to secure money stability in India। RBI का जो function होता है वो monetary stability को बनाए रखना होता है India के अंदर, और bank notes को issue करना, एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। फिर उसके बाद में द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता। कलकत्ता में उसके जो ऑफिस की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी, नाउ कोलकाता, बट वाज मूव्ड टू बॉम्बे, नाउ मुंबई। इन 1937 में जो आरबीआई का ऑफिस था उसे मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। द आरबीआई ऑल्सो एक्टेड एज द एज बर्माज नाउ म्यांमार सेंट्रल बैंक अंटिल अप्रैल 1947। क्योंकि वो ब्रिटिश इंडिया का ही पार्ट था, तो तब तक आरबीआई जो बर्मा कंट्री था उसका भी सेंट्रल बैंक की तरह एक्ट कर रहा था, एक्सेप्ट ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ जापानीज ऑक्यूपेशन 1942 एंड 45। क्योंकि जापानीज ऑक्यूपेशन के दौरान उन्होंने अपने सेपरेट बैंक्स एस्टेब्लिश किए थे, इस वजह से उस टाइम पर आरबीआई उनके सेंट्रल बैंक की तरह एक्ट नहीं कर पाया। जबकि लास्ट टाइम तक आरबीआई ही म्यांमार के सेंट्रल बैंक की तरह एक्ट कर रहा था, जब तक उन्होंने अपने अपना एक सेपरेट बैंक एस्टेब्लिश नहीं कर लिया। इवन दो बर्मा सेडेड फ्रॉम द इंडियन यूनियन इन 1937 आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947, द बैंक सर्व्ड एज द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान अंटिल जून 1948। और 1948 तक आरबीआई पाकिस्तान के भी सेंट्रल बैंक की तरह एक्ट करता रहा। व्हेन द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कमेंस्ड ऑपरेशंस दो सेट अप एज अ शेयर होल्डर बैंक, द आरबीआई हैज़ बीन फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस इट्स नेशनलाइजेशन इन 1949। आरबीआई हैज़ मोनोपोली ऑफ नोट इशू। तो ये थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट की हिस्ट्री और इम्पोर्टेंट फीचर्स।
और इससे रिलेटेड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड बाकी का डिस्कशन हम फर्दर वीडियोज़ में करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो सही लगी तो इन्हें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।